हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसे आपको पता ही है कि मूल अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है और क्वेश्चन है वो आजकल जरूर एग्जाम में इस अधिकार से लेकर के या फिर कर्तव्य को लेकर के क्वेश्चन है वो कन्फर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए कि मूल अधिकार है वो कौन से भाग में है, कितने मूल अधिकार होते हैं, कौन से संशोधन इसके अंदर हुए हैं। तो देखो, मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3। इसको लेकर के मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊंगी कि संविधान के जो जितने भी भाग है, कौन से भाग में कौन कौन सी चीजें हैं, वो सारी की सारी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारी वो याद करवा दूंगी। तो देखो, मूल अधिकार है वो भाग 3 में है, और भाग 3 में मतलब जब हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए थे तब हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि पहले कितने मूल अधिकार है वो व्यक्ति को प्रदान किए गए थे, या भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए थे। तो हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद में देखो, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। तो ये जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी से उसको हटा दिया और इसको कानूनी अधिकार दे दिया कि संपत्ति रखो, कानूनन संपत्ति है वो आप व्यक्ति है वो रख सकते हैं। तो उसको कानूनी अधिकार है वो बना दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब अपने संविधान में मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6 ही है। अगर अपने पूछे कि मूल अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो मूल अधिकार हमें जो भाग 3 है उसके अकॉर्डिंग 14वें अनुच्छेद से लेकर के 35वें अनुच्छेद तक हमें मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं, 14 से लेकर के 35। तो हाँ, आप बोलोगे क्योंकि हाँ, जो अपना लास्ट 6ठा मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, बट इसके बाद में भी मूल अधिकारों के बारे में वर्णित किया गया है 33, 34 और 35वें 3 इन अनुच्छेद के अंदर भी। लेकिन हमें तो इतने ही याद करने हैं ये जो 6 मूल अधिकार है। आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने को ये पता है कि 14 से 18 में समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, लेकिन बीच में पूछ ले कि 15वें में क्या है, 16वें में क्या है, 17वें में क्या है। तो हमें जो कंटिन्यू है वो सारे के सारे अधिकार है वो हमें याद होने चाहिए। और सबसे पहले ये भी याद होना चाहिए कि समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है। तो देखो, मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6। इसके बाद में हम बात करते हैं, अपने को 6 मूल अधिकार है वो भी याद होने चाहिए। देखो, समानता का अधिकार 1 नंबर पे होता है, समानता का अधिकार। फिर होता है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, कंटिन्यू 3 है वो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 3 है वो 6 से शुरू हुए हैं, कंटिन्यू आपको याद होने चाहिए। फिर 4 नंबर पे आता है धर्म की स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके बाद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्टार्टिंग के 3 सह से, फिर बीच में धर्म आ गया, फिर लास्ट के 2 है वो भी सह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको याद है वो हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं समानता का अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 मतलब 29-30 दो में। अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 32वें अनुच्छेद में। अब बात करते हैं कि इतने अधिकार कैसे याद होंगे। अगर ये लाइन से आपको याद है, अगर इस लाइन से आपको याद हो जाते हैं तो आप इनको याद कर सकते हो कि 5-4-2-4-2-1 इस टाइप से, 5-4 फिर 2-4 फिर 2-1। जो समानता का अधिकार इसमें 5 है, 14-15-16-17-18 5 अनुच्छेद इसमें आ गए, फिर 4 अनुच्छेद आगे लाइन से ले लो 19-20-21-22 फिर 23-24 फिर 25-26-27-28 29-30 और 31 को छोड़ दो, आप 32 में आ जाओ। तो 5-4-2-4-2-1 के माध्यम से आपको ये अधिकार है वो याद हो सकते हैं कि हाँ, ऐसे इतने इतने अधिकार है वो, ये अनुच्छेद है वो इस अधिकार की कैटेगरी में आता है। तो आज हम बात करेंगे अपने समानता का अधिकार, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको समानता का अधिकार बताऊंगी। ये जो इसके भाग वगैरह हैं, अनुच्छेद वगैरह हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। कल की वीडियो में हम लास्ट के जो 5 अधिकार हैं इनकी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज समानता के अधिकार को याद करते हैं। तो देखो, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। इसके बाद में 14 से 18, तो 14 में कौन सा समानता है? विधि के समक्ष समानता।
फिर धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो समानता है वो 15 में। फिर लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता 16 में। अस्पृश्यता का अंत है वो 17 में। उपाधियों का अंत है वो 18 में। अब ये याद कैसे हो, इतने इतने लिख तो दिए। तो देखो, अगर हम इसको याद करें, इसको एक स्टोरी टाइप से याद करते हैं। समानता आपको पता है। अब समानता को प्राप्त करने के लिए पता है कि कानून जो बोलेगा स्टार्टिंग में, सबसे सर्वोच्च है वो कानून ही सर्वोच्चता की कैटेगरी में आता है। तो जरूरी क्या है कि कानून के समक्ष सब है वो समान हो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कानून की। तो देखो, यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ, ये देखो, विधि के समक्ष मतलब सबसे पहले हम कानून के समक्ष जाएंगे। समान होने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए? कानून की। तो कानून सबसे पहले कौन आता है? कानून। तो नंबर 14 आ गया कानून। अब कानून हमें कैसे समानता प्रदान करेगा? पांचों याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आता है कि हमें भारतीय संविधान में या फिर जो कानून ने हमें समानता प्रदान करी है वो किस आधार पर करी है। तो धर्म के आधार पर करी है, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। इन पांचों के आधार पर हमें समानता को प्रदान किया है। तो पांचों नाम मतलब ये जो धर्म, वंश, जाति, लिंग आ गया वो नेक्स्ट हो गया। कानून ने हमें कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करी है? धर्म, वंश, जाति, लिंग। तो सबसे पहले कानून आता है, क्योंकि कानून ही हमें सब कुछ प्रदान करता है। तो 14 नंबर पे कानून आ गया। कानून ने कैसे समानता हमें प्रदान करी? धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म। तो ये आ गया 15 में। अब व्यक्ति को अगर इतनी समानता दे दी है अगर कानून ने, तो फिर उनको अवसर भी तो समान ही मिलेंगे। कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी जॉब करेंगे, कहीं किसी पद पे पद को ग्रहण करेंगे, तो अवसर भी तो फिर समान मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ तो समान कर दी। तो फिर अवसर की समानता आ जाती है, वो आगे अनुच्छेद 16 में। अब देखो, अवसर अगर समान मिल गए, साथ में काम करने लग गए सारे व्यक्ति, तो अस्पृश्यता तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है। तो फिर आ गया अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में। और जब अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी तो उपाधि तो फिर रहेगी नहीं, क्योंकि छुआछूत की भावना है नहीं। तो फिर उपाधि कहाँ से आएगी? पहले जो ये जो गोरे काले का भेद होता था, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये जो होते थे, तो इसके आधार पे उपाधि है वो दी जाती थी। तो अब ये जो राय बहादुर वगैरह जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों का अंत है वो हो चुका है। तो अस्पृश्यता नहीं होगी तो उपाधि भी नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले आ गया कानून। कानून ने हमें कैसी समानता प्रदान करी? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे। और अगर जब ये चीजें सारी समान होगी तो हमें अवसर भी समान मिले। अवसर समान मिले तो अस्पृश्यता खत्म हो गई, और अस्पृश्यता खत्म हो गई तो फिर उपाधि है वो कहीं नहीं रही, उपाधियों का अंत है वो हो गया। तो 14, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। तो कल पांचों जो समानताओं का अधिकार है वो हम पढ़ेंगे, और फुली ट्रिक के साथ हम इन सबको याद करेंगे, जिससे आप कभी एग्जाम में इसको भूलो नहीं। बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। बाय।